अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है परफेक्ट से रोल और समोसे की रेसिपी। रमज़ान के लिए हम घर में ही होममेड तरीके से कैसे पट्टी तैयार करें और इससे बेहतरीन और यमी यमी रोल, समोसे, मिनी समोसे कैसे तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और परफेक्ट सी रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और बना के इसी तरह रोल और समोसे बना के फ्रीज़ करें और रमज़ान में इसका लुत्फ़ उठाएं। तो फिर बढ़ते अपनी रेसिपी की तरफ और एक मज़े की रेसिपी बना के इंजॉय करते हैं। सबसे पहले मैंने जो चीज़ ली है वो है चिकन। 700 ग्राम मैंने इधर चिकन चस्ट ली है और इसको अच्छी तरह धो के मैंने एक बाउल में निकाला। इसमें एक खाने का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच सुरख मिर्च, एक खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, एक खाने का चम्मच लेमन जूस, एक चाय का चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस और एक चाय का चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया है और अब इसको आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया साइड पे। आधे घंटे के बाद मैंने इसको एक पैन में निकाला, एक गिलास पानी शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह नरम और गलने तक मैंने पका लिया है। आधे तकरीबन इसमें 10 से 12 मिनट लगे हैं, चिकन का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और चिकन भी खूब अच्छी तरह नरम हो चुका है। अब इसको मैंने श्रेड कर लिया है और साइड पे रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने मैदा लिया है, तकरीबन 6 कप मैदा है। इसमें एक खाने का चम्मच नमक, दो खाने के चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया और हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह मल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। जैसे ही ये खूब अच्छी तरह मिक्स हुआ तो मैंने नीम गर्म पानी का एक गिलास लिया और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। इसमें एकदम से पानी शामिल नहीं करना बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंदना है। ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ये नरम होना चाहिए, बल्कि जैसे आप आटे की डो बना रहे हैं उससे थोड़ा सारा ये इसकी डो सख्त होती है ताकि जो हम समोसे बेलें या बनाते हुए उसकी शेप ना ख़राब हो और वो उस एक परफेक्ट सी शेप में समोसे तैयार हो। इसको जैसे ये डो हमारी 4 से 5 मिनट मैंने इसको खूब अच्छी तरह गूंदा है, नरम हो गई है, तो मैंने इस पर थोड़ा सारा ऑयल लगाया है और इसको एक प्लास्टिक बैग में डाल के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया ताकि हमारी डो अच्छी तरह सेट हो जाए। दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि फिलिंग करनी है। सबसे पहले मैंने जो 2 खाने के चम्मच ऑयल निकाला एक बर्तन में, इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने इस लहसुन कुटा हुआ शामिल किया है। जैसे ही लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो 1 चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत शामिल करने के बाद मैंने फिर 1 मिनट तक इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैंने शामिल कर देनी है प्याज, बड़ी साइज़ का एक प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप करके इसमें डाला है। अब इसकी भी मैंने 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सारा पकाया है। जैसे इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें जो चिकन श्रेड करके रखी हुई थी वो सारी शामिल की है। 2 कप मैंने इसमें बंद गोभी बारीक काट के डाली है, 2 अदद शिमला मिर्च मैंने इस तरह कटिंग करके डाली हैं और 2 से 3 अदद गाजर डाली हैं। अगर आपने और भी मौसम के हिसाब से कोई मटर या कोई और सब्ज़ी शामिल करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने 1 से 2 मिनट पकाया और उसके बाद 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें हॉट सॉस और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है और इसको मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको कुक किया है। जब तमाम मसाले और सब्ज़ियाँ अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं तो मैंने इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ताकि सब्ज़ी हमारी और चिकन इसमें अच्छी तरह एक तो मिक्स हो जाए तमाम मसाले और सब्ज़ियाँ चिकन और दूसरा इसकी जो थोड़ा सा नरम हो जाए। अब थोड़ा सारा धनिया डाल के इसके ऊपर कटा हुआ सब्ज़ इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे छोड़ दिया है। दूसरी साइड पे हमारी डो तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसको बैग से निकाल के फिर 1 से 2 मिनट खूब इसकी अच्छी तरह गुंदाई की है और एक परफेक्ट सी लचकदार सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब इसके मैंने छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं। पेड़े हमारे इस साइज़ से, जैसे हम पूड़ी के लिए पेड़ा ले रहे हैं उसे थोड़े से छोटे साइज़ का पेड़ा हमने निकाला है और इस तरह इसको हाथों की मदद से गोल करके और मैंने सारे पेड़े एक दफ़ा ही रेडी करके रख लिए हैं।
चिकन और सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, परफेक्ट सी। ना तो बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम किया और ना बहुत ज़्यादा ये सख्त है, बल्कि नरम और क्रंची क्रंची फ्लेवर इसमें आ रहा है। दूसरी साइड पे हमने 3 अदद उबले हुए आलू लिए हैं, उसमें सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, नमक और सुरख मिर्च शामिल करके हाथों की मदद से इसको मसाला बना के रख लिया है, अच्छी तरह मिक्स किया है। और अब एक पेड़े को लेके इस पर आटा डस्ट किया है मैंने मैदा, और इसको एक छोटे साइज़ की मैंने चपाती जितना बेल लिया है। बस जो इस तरीके से समोसे या रोल तैयार होंगे, वो एक तो उनकी शेप नहीं ख़राब होगी, दूसरा फ्रीज़ करने में आसानी रहेगी, तीसरा ये बिल्कुल आपस में चिपकेंगे नहीं, ना टूटेंगे। तो आप इसे एक माह भी यूज़ करेंगे बाद, तो ये बिल्कुल असल जायके और असल हालत में आपको मिलेंगे। तो अभी बस तमाम रोटी को मैंने इस तरह बेलने के बाद 4 अदद रोटियाँ मैंने बेली हैं और इसको इस तरह रख लिया है। अब एक ब्रश की मदद से मैंने इस पर घी अच्छी तरह लगाया है, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और फिर एक रोटी उसके ऊपर रख के फिर इस पर ऑयल और मैदा लगाया, डस्ट किया है और एक तीसरी रोटी इस पर रखी है और फिर इस पर मैदा और ऑयल डस्ट करने के बाद 4 रोटियों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के खूब अच्छी तरह बेल लिया है। एक बड़े साइज़ की हमने रोटी बेल लिया, जितना बड़ा हमारा तवा है उस साइज़ की हमने रोटी बेल ली है। ये रोटी बिल्कुल परफेक्ट और बारीक सी पट्टी की तरह तैयार होगी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे तवा मैंने पहले गरम किया हुआ था, इस पर रोटी को डाल के मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह सिक ली है। इस पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए, बल्कि जैसे ही एक साइड से थोड़ी सारी रोटी सिकी है तो मैंने इस तरह आसानी से इसको ऊपर से उतार लिया है एक लेयर। देखें परफेक्ट सी हमारी इस तरह पट्टी वाली जो है वो तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड से हल्का सा सिकने के बाद मैंने उस साइड से भी इसकी रोटी उतारी और 4 अदद हमारे पास इस तरह की पट्टी रेडी हो चुकी हैं। साइड से मैंने इस तरह इसको काटा, दरमियान से कटिंग करके, और इस तरह मिनी समोसे की मैंने पट्टियाँ रेडी करके रख ली हैं, जो कि बाज़ार से हम लेके आते हैं तो अच्छी खासी महंगी होती हैं। और ये देखें थोड़े सारे मैदे से हमने 8 अदद मिनी समोसे की पट्टियाँ काट ली हैं। इसी तरह मिनी समोसे की सारी पट्टियाँ काट के और रुमाल में रख के मैंने इसको साइड पर रख दिया, ताकि हमारी पट्टी जो है वो ठंडी होके और उस वो ख़राब ना हो जाए। अब बाकी जो रोटियाँ वो भी मैंने इसी तरह बेल के और बड़े समोसे तैयार करने हैं और फिर कुछ रोल तैयार करने हैं, इसी तरह सेम प्रोसेस से मैंने इनको बेला है और इसी तरह तवे पे डाल के और थोड़ा सा सिकने के बाद एक साइड से रोटी इसकी उतारी है, फिर दूसरे साइज चेंज करके उस साइड से, और इस तरह सारी अपनी मैंने जो पट्टी है वो रेडी करके रख ली है। अब इस तरह बड़े समोसे की जो दरमियान से कटिंग होती है सेम इसी तरह कटिंग करके हमने सारी जो पट्टियाँ इस बड़े समोसे की भी रेडी करके रख ली हैं। अब इनकी फिलिंग की बारी आती है। इस तरह इसके अंदर थोड़ा सा मसाला रखा है और साइड से मैंने इसको दबाते हुए इस एक लेफ़्ट राइट टर्न करते हुए और फिर आखिर में मैदे की स्लरी लगा के इसको बंद किया है और एक परफेक्ट सा हमारा मिनी समोसा रेडी हो चुका है। थोड़े सारे खर्चे में ढेर सारे हमने समोसे बना के फ्रीज़ करने हैं, और ये आप अपने टी टाइम पार्टी हो आपके पास या आपका दिल कर रहा हो कुछ चटपटा खाने का तो झटपट ये रेडी होते हैं, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बल्कि मैंने ये सारे प्रोसेस में मेरा तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे हैं और हमने सारा प्रोसेस मुकम्मल करके ढेर सारे रोल समोसे तैयार किए हैं। तो व्यूवर्स, इसी तरह मैंने बड़े समोसे भी सेम उसी तरह दरमियान में मसाला रख के जैसे उसको बंद करते हैं आखिर में मैदे की स्लरी लगा के, उसी तरह कुछ आलू के समोसे बनाए हैं और कुछ सब्ज़ी और चिकन के समोसे बनाए हैं। देखें कितने परफेक्ट और मज़े के समोसे हमारे रेडी हो रहे हैं। अब रोल बनाते हैं। इसी तरह दरमियान में मैंने कुछ मसाला रखा है और इसकी दोनों साइडों को आपस में टर्न किया और इस तरह मैंने इसको रोल करते हुए और आखिर में फिर इस तरह मैदे की स्लरी लगाई है और इसकी एजिस को बंद कर दी है। परफेक्ट से हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। एक तो इनमें फिलिंग भी अच्छी खासी है, दूसरा ये जब बनाएंगे तो इंतहाई क्रंची और यमी बनेंगे। इसी तरह मैंने रोल और समोसे बना के अपने सारे रेडी कर लिए हैं।
व्यूअर्स, आप इस टाइम इसको बना के अभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर रमज़ान के लिए जब अगर फ्रीज़ करना है तो इस तरह एक पेपर लगाएं, एक जार में या आप किसी किस्म का भी कोई टिफ़िन ले लें, उसमें इस तरह सारे रख के और वन बाय वन, तो आप इसे आसानी से एक माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको थोड़े सारे समोसे और रोल हम इधर फ्राई करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म किया है पहले, और फिर इस तरह मिनी समोसे पहले मैंने इसमें तले हैं, एक साइड पर रखा है। जब थोड़ी सी गोल्डन हो गया तो मैंने इसकी साइड चेंज करके इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह गोल्डन करके और उतार लिया। देखें कितने मज़े के परफेक्ट से समोसे तैयार हुए हैं, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा खस्ता, मज़े के और एक तो घर के साफ़ सुथरे हो, हेल्थी किस्म का हमारे समोसे और रोल तैयार होंगे। इसी तरह मैंने 2 से 3 अदद रोल भी इस टाइम फ्राई किए हैं, इनको भी मैंने एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन किया, फिर इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी मज़े का सुनहरी कलर देके और इनको उतार लिया। बड़े समोसे भी सेम हमने इसी तरह तैयार किए हैं, तेल अच्छा गरम था, उसमें समोसे डाल के दोनों साइडों से इनको भी खूब अच्छी तरह सुनहरा किया है। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको तलने में और हमारे परफेक्ट से समोसे रेडी हो चुके हैं। व्यूअर्स, इसको आप सब्ज़ चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, इंतहाई मज़े की रेसिपी है। आप और एक मज़े की और दूसरा कम खर्च में ढेर सारी रेसिपी तैयार होगी, ढेर सारे समोसे रोल और मिनी समोसे तैयार होंगे। आप इससे कोई फिलिंग भी कर सकते हैं, कीमे की कर सकते हैं, आलू की कर सकते हैं, सब्ज़ी की कर सकते हैं, चिकन सब्ज़ी की कर सकते हैं। इंतहाई मज़े की रेसिपी है, बना के अपनी फैमिली को खिलाएं और रमज़ान को स्पेशल बनाएं। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।